आईपीएल 2022 में शनिवार के दिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम पंजाब किंग्स के बीच 60वां मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 54 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को शिकस्त दी। पंजाब के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था, जिसमें उन्होंने बैंगलोर को शिकस्त देते हुए प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। इस मैच में जॉनी बेरस्टो और लिविंगस्टोन ने पंजाब के लिए अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बदौलत पंजाब की टीम 209 रन बना पाई। लेकिन वहीं बैंगलोर के गेंदबाजों ने भी पंजाब के बल्लेबाजों को पूरी मदद की इस रनों तक पहुंचने में, जिसमें सबसे बड़ा हाथ तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड का रहा। आपको बता दें कि जॉश हेजलवुड ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में अपने 4 ओवर में 64 रन खर्च किए। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने आखिरी ओवर में 24 रन लुटाए, जिसके बदौलत अब उनके नाम आईपीएल इतिहास का एक खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि जॉश हेजलवुड ने कल अपने T20 करियर का सबसे खराब स्पेल डाला, जहां उन्होंने 64 रन लुटाए। इसी के साथ जॉश हेजलवुड ने आईपीएल इतिहास का भी 7वां सबसे खराब स्पेल डाला। जॉश हेजलवुड आईपीएल में सबसे खराब स्पेल की सूची में जॉश हेजलवुड अब 7वें स्थान पर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं बल्कि रनों के मामले में भी इस सूची में उनका नाम चौथे स्थान पर है, यानी कि उन्होंने एक आईपीएल मुकाबले में चौथे सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं। जॉश हेजलवुड इस पूरे ही सीजन में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं, जहां उन्होंने इकोनॉमिकल स्पेल कराते हुए विकेट भी अपने नाम किए हैं। लेकिन आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण मैच में ये दिग्गज गेंदबाज फ्लॉप साबित हुआ। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।